बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका डॉक्टर सीम और आप देख रहे हैं राइमंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो जो है ना, गूगल एडसन की पिन के रिलेटेड है, क्योंकि ये मेरी जो मेरे चैनल की जो पिन है वो मेरे पास आ चुकी है, अलहमदिल्ला पहुँच चुकी है। ये मैंने 1.5 महीना पहले अप्लाई किया था इसके लिए, जबकि ये तब हम अप्लाई कर सकते हैं जबकि $10 हो जाते हैं। मगर मेरे चैनल में जो है वो $10 नहीं थे, मगर फिर भी मैंने एडसन की पिन मंगवा ली। कैसे मंगवाई आप सबको मैं बताता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अच्छा जी, गूगल एडसन की ये जो पिन मेरे पास अभी मौजूद है, अगर मैं आपको अपना अकाउंट बैलेंस चेक करवा सकता या स्क्रीनशॉट शायद मैं आपको दिखा दूँ, मगर सच में अगर मैं आपको बताऊँ मेरे अकाउंट में जो एडसन में मौजूद है अभी $4 हैं। $4 जो कि पहले $10 जब तक कंप्लीट नहीं होते तो हमें एडसन की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन कोई ईमेल नहीं आती कि एडसन पिन के लिए अप्लाई करें। मगर मुझे कैसे आई, कैसे मैंने ये अप्लाई किया, मैं आप सबको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। पहले बात स्टार्ट होती है कि हम अक्सर देखने लग जाते हैं सबसे पहले कि अभी $10 नहीं हुए तो हम गूगल एडसन खोल खोल के बार बार देखते हैं। एक दिन में 2 दफ़ा देख लिया, 3 दफ़ा देख लिया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए हरगिज़। ये हमारे एडसन के लिए, हमारे चैनल के लिए ये जो है ना, मतलब ख़तरा बन सकता है। अगर हो सके तो 1 महीने में एक दफ़ा आप एडसन ओपन कर सकते हैं, बार बार आपने ओपन नहीं करना, इससे हमें नुकसान हो सकता है हमारे एडसन को और हमारे चैनल को। $10 जब हमारे अकाउंट में मौजूद होते हैं तब हम इसके लिए जी एडसन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर मैंने इससे पहले ही अभी मेरे $4 हैं तो मैंने कैसे अप्लाई किया है, तो भाई सबसे पहली बात है कि $10 से कम हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। सो मैंने भी ऐसा किया है, मतलब $10 अभी मेरे एडसन में नहीं है। अगर जब आपके YT स्टूडियो में आपके $10 से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब $10 से ज़्यादा हो जाते हैं, $10 हो जाते हैं ना, तो अक्सर लड़के परेशान हो जाते हैं या यही समझते हैं कि जब तक हम ये एडसन में नहीं आएंगे तब तक हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। मैं भी यही सोचता था कि स्टूडियो में जो है ना, $10 जब कंप्लीट हो गए थे, दूसरे दिन जो है वो मुझे ना गूगल एडसन की तरफ से ईमेल आई कि आप गूगल एडसन में आपके अकाउंट में $10 हो चुके हैं, अब एडसन के लिए पिन के लिए अप्लाई कर दें। वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता कि ये अप्लाई करें, तो मेरे अकाउंट में $2 थे, क्योंकि पहले $2 थे और बाकी जो डॉलर्स थे वो मेरे YT स्टूडियो में शो हो रहे थे। मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि $10 अगर YT स्टूडियो में कंप्लीट हो जाए ना तो हमें मेल आ सकता है, हम अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी मेरे ये माइंड में बात नहीं थी, किसी वजह से वो मेरे डॉलर्स कम हो गए। एड्स ऐसे होते हैं जिनको ना, मतलब गूगल जो है ना ज़बरदस्ती यूट्यूब से चलवाता है कि ये चलवाएं और मतलब हम इसका पैसे आपको नहीं दे रहे। वो जो एड्स होते हैं ना, हमें उसका पहले रेवेन्यू मिल जाता है और बाद में वो रेवेन्यू जो होता है ना वो कट कर लिया जाता है। तो मेरे $18 कंप्लीट हो चुके थे और $10 से भी ऊपर हो चुके थे ना, तो इसलिए तो मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद वो जो मेरे डॉलर थे ना वो कम हो गए, $4 हो गए। चलो सही है जी, मैं फिर परेशान हो गया कि यार ना, तो मुझे जब मैं एडसन मैंने ओपन किया कुछ दिन पहले तो ऊपर नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि अपनी पिन वेरीफाई करें, इधर पिन लगाएं और वेरीफाई करें। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि यार मैंने 1.5 महीना पहले मैंने पिन के लिए अप्लाई किया था, मैंने पिन का पता भी नहीं किया था। मैंने उसी वक्त मतलब चंद दिन में ही मेरे जो डॉलर्स हैं वो कम हो गए थे, $4 हो गए थे, 18 पिन को भूल गया था। मैंने बोला, सोचा कि नहीं, जब तक ये ना मतलब कि हमारे अकाउंट में $10 नहीं हो जाते ना तब मैं फिर अप्लाई करूँगा। मैंने कुछ दिन पहले जब एडसन ओपन किया तो उसमें नीचे वेरिफिकेशन का ऑप्शन, मतलब अपना यहाँ से उन्होंने लिखा हुआ था साफ साफ कि आप यहाँ पे अपना पिन करें, पिन वेरीफाई करें और आप अपनी पेमेंट निकलवा सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि यार मैं क्यों ना अपने मतलब पोस्ट ऑफिस से पता करूं कि यार मेरी पिन आई है या नहीं आई। मगर मैं कंफ्यूज हो गया था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कि $10 से कम नहीं आती, तो मेरे अकाउंट में एडसन में जो है वो $4 है। फिर मैं गया एक पोस्ट ऑफिस हमारे जो शहर में है वहाँ पर गया, तो वहाँ से मुझे नहीं मिले। मैंने बोला कि नहीं, नहीं आएगी, अगर नहीं आनी होती तो वहाँ वेरीफाई का ऑप्शन नहीं आना था वहाँ पर। तो मैंने अपने साथ वाले गांव में, हमारा पोस्ट ऑफिस है तो मैं उधर गया, वहाँ से मुझे ये पिन रिसीव हो गई और मैं जो ना बहुत खुश हुआ कि यार मेरे अकाउंट में $4 हैं और मैं कैसे मतलब मेरी पिन मुझे मिल गई। और ये आपके लिए बहुत हैरानी की बात होगी कि $4 और पिन मेरे अभी हाथ में है, ये इसी चैनल की है, कोई फेक नहीं है। अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि पिन वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब आप लाजमी कर लें।
आपको मैं यही बताना चाहता था कि $10 से कम पिन के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। वो तो मेरे साथ एक मसला हो गया था कि मेरे डॉलर्स काफ़ी दिन बाद कम हुए हैं, और पहले मेरा ख्याल है ये जो पिन है वो भेज दी गई होगी मेरी तरफ, मतलब उधर से भेज दी गई होगी इधर, मेरे शायद मेरे पास पहुंच गई हो वो, मैं तो लेने नहीं गया। ये अक्सर ज़्यादातर ये पिन जो है ना हमें 1 महीना लग जाता है, कुछ कुछ भाइयों को नहीं मिलती, वो तो 3 3 महीने नहीं मिलती, मगर मुझे जो है ना ये असल में मेरे सुनने में जो आया है कि ये पिन जो है तकरीबन 8 दिन में आ गई थी, और मुझे 1.5 महीने बाद में लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे था कि नहीं मिलेंगी यार वो जब दोबारा ऑप्शन आएगा। मैं तो वैसे ही एडसन अपना चेक करने लगा, क्योंकि महीने में मेरी आदत है एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ, तो मैं जब अब पोस्ट ऑफिस गया तो मुझे वहाँ से जो है ना पिन रिसीव हो गई। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने वेरिफिकेशन की इसकी तो हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करें, मगर अगर उन्होंने एक्सेप्ट ना करनी होती तो मुझे वो ये ना तो पिन भेजते और ना ही नीचे वेरीफाई का ऑप्शन देते। सो आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि $10 से नीचे जो है ये बंदा पिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो मुझे तो रिसीव होगी है। ये मैंने अपनी कहानी आपको सुना दी है कि कैसे कैसे रिसीव हुई है, क्या मसला मेरे साथ बना है क्या नहीं, क्योंकि मेरे डॉलर ज़्यादा थे और कम हो गए, ये वो मतलब जो जो भी मसला बना। इसी के साथ अपने वसीम भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह।